हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी गद्य खंड के चैप्टर 11 की, जिसका नाम है बालगोविंद भगत। इस कहानी के लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपने कई लोगों के मुँह से सुना होगा कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं कहा कि मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। तो इसी के बारे में हम इस कहानी में बात करेंगे कि एक अच्छे इंसान के क्या गुण होता है और कि वो ऐसा क्या काम करता है जिसे हर कोई उसे बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है और उसके गुणों को अपने अंदर अपनाना चाहता है। इस कहानी की शुरुआत होती है बाल गोविंद भगत से। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सभी लोग सन्यासी के नाम से जानते हैं। एक ऐसा सन्यासी जो रियल लाइफ में सन्यासी नहीं है, बल्कि लोग उन्हें सिर्फ सन्यासी समझते हैं। उनकी वेशभूषा, उनके पहनावा, उनके रहन सहन का तरीका सन्यासी की तरह है, लेकिन वो एक सन्यासी नहीं है। तो ऐसा उनमें क्या है कि लोग उन्हें सन्यासी समझते हैं? तो पढ़ते हैं हम इसी वीडियो में, जानते हैं कि ऐसे क्या गुण है उनके अंदर जिससे लोग उन्हें सन्यासी समझते हैं। वो एक छोटे कद के गोरे रंग के आदमी हैं। 60 साल के लगभग उनकी उम्र है। उनके बाल बिल्कुल सफ़ेद हो चुके हैं। कपड़े भी वो ज़्यादा नहीं पहनते, एक लुंगी पहनते हैं और सर पे पगड़ी पहनते हैं, कनफटी वाली, जो कि कबीर पंथी लोग पहनते हैं। वो कबीर जी के भक्त हैं, इसलिए वो कबीर पंथी की ये टोपी पहनते हैं। उनके माथे पर चंदन का एक तिलक होता है और गले में एक माला। तो ये तो उनका पहनावा था कि वो किस तरह से पहनावा पहनते हैं। अब उनका पारिवारिक जीवन, वो एक पारिवारिक आदमी थे। उनका एक बेटा और एक बहू थी। थोड़ी सी खेती बाड़ी थी, बस उनकी यही संपत्ति थी अपनी। वो खुद खेती किया करते थे दादा। वो कबीर जी के भक्त थे और कबीर जी के जो भी उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने गाया है, उन सबको अपने वर्डों में गाया करते थे। और उनके मुँह से जो कबीर जी की वो गीत निकलते थे, वो ऐसा लगता था मानो सजीव हो चुके हों। वो जो उन्होंने वर्ड बोले सजीव हो चुके, इस तरह से वो गाते थे। उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा मधुर थी कि लोग उन्हें उनकी आवाज़ सुनने के लिए उत्सुक हो जाते थे जब भी वो गाया करते थे। इसी तरह आषाढ़ का महीना आता है, उसके बाद धान की रोपाई की जाती है। धान की रोपाई करते वक्त कीचड़ में बिल्कुल लथपथ थे वो, और कबीर जी के कुछ गीत उनके मुंह से बाहर आ रहे थे एकदम मधुर आवाज में, जिससे सभी लोग उनकी ओर आकर्षित हो गए और अपने काम में इतना ज्यादा वो हो विलुप्त हो गए कि उनके गानों के साथ साथ वो काम भी करते जा रहे थे। मेड़ पे खड़ी औरतें जो खाना लेकर आई थीं, वो भी उनके गीत गुनगुना रही थीं, और वहाँ जितने भी धान की रोपाई कर रहे थे लोग, सभी उनके गीतों को गुनगुनाने लगे। इस तरह चार मौसम आते हैं। चारों मौसम में वो इसी तरह से अपने गीतों को गाया करते थे। सर्दी की रात में जब सभी लोग लिहाफ बिस्तर ओढ़ के सो रहे होते हैं, उस टाइम पे वो जाग कर आंगन के अंदर चटाई के ऊपर गाया करते थे। उस सब में कोहरा होता है, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतने ज़्यादा कबीर जी के प्रेमी थे कि वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करते थे और उनके गानों को इतने अच्छे रूप से गाते थे कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे उनके गानों को सुनकर। और कितनी भी सर्दी क्यों ना हो, वो स्नान जरूर करते थे। तीन तीन कोस दूर जाके उनके घर से नदी पड़ती थी, जहाँ वो पैदल जाते थे। रास्ते में किसी का कुछ खाते पीते नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ अपने अपने दम पे जीना चाहते थे, अपने दम पे मरना चाहते थे। गर्मियों के मौसम में अपने आंगन में ही चटाई बिछा के अपने मित्र बंधु जो थे उनके उनके साथ में बैठक बिठाया करते थे और साथ में गाने गाते थे। गाने गाते गाते लोग इतने ज्यादा उत्सुक हो जाते थे कि कब वो गाते गाते नाचने भी लगते थे, उन्हें खुद को नहीं पता चलता था। वो टाइम उनका ऐसा होता था कि वो दीन दुनिया बिल्कुल भूल जाया करते थे कि क्या हो रहा है। वो सिर्फ अपने गानों में, अपने नाच में इतने विलुप्त हो जाते थे कि सिर्फ उनके मन में कबीर जी का प्रेम और उनके गाने, उनकी आस्था होती थी। इसी तरह एक दिन उनका बेटा बीमार पड़ गया, लेकिन सभी लोग अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि उन्हें किसी का दुख दर्द कुछ पता नहीं चलता। उनका बेटा कब बीमार हुआ,
किसी को पता नहीं चला। तो एक दिन ऐसा आया कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई, और मृत्यु सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। सभी लोगों को पता चला, सभी लोग आए, उन्हीं में एक लेखक थे। जब लेखक उनके घर पहुंचे, उन्होंने सोचा था कि उनका इकलौता बेटा, जो बहुत ज़्यादा मासूम था और बीमार भी था थोड़ा, वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, तो इस टाइम वो बहुत टूट चुके होंगे। पता नहीं कैसा उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होगा, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचे, स्थिति बिल्कुल बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने एक चटाई बिछा रखी थी, उस पर अपने बेटे को लिटा रखा था, और अपने बेटे के ऊपर सफ़ेद चादर ढक रखी थी, और कुछ पास में फूल वूल पड़े हुए थे, और वो गाना गा रहे थे। उस टाइम पे उनके गीतों का चरम उत्कर्ष देखने को मिला। सबसे ज़्यादा उस टाइम पे उन्होंने गाया, और इतना भावुक होकर गाया कि सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वो इस बात का दुख नहीं मना रहे थे कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई, बल्कि वो इस बात की खुशी मना रहे थे कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। तो उन्होंने एक मरने जैसी सिचुएशन को एक खुशी की सिचुएशन में तब्दील कर दिया। इतने ज़्यादा उनका पॉजिटिव माइंडसेट कह सकते हैं हम, इतने ज़्यादा वो पॉजिटिव माइंडसेट के थे। इसी तरह जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई, तो उनकी बहू ज़्यादा दिन शादी को नहीं हुए थे उनकी, तो उनकी बहू भी जवान थी, तो उन्होंने अपनी बहू के भाई से कहा कि इन्हें यहाँ से ले जाओ, क्योंकि यहाँ पे अकेली इस तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकती। लेकिन उनकी बहू रो रही थी और बस कह रही थी कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, आपके चरणों में ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर दूँगी। पर उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया, और उन्होंने उनके भाई को कहा इन्हें ले जाओ यहाँ से, और इनकी दूसरी शादी करा देना। वो अपने ससुर के आगे उनकी चली नहीं, और उनका भाई उन्हें वहाँ से ले गया। उसके बाद वो अपने घर में अकेले पड़ गए, जिसके बाद वही उनका डेली रूटीन फिर से स्टार्ट हो गया। सुबह सुबह जाना और गंगा पे स्नान करना, सर्दी का मौसम था जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें मना भी किया कि अब आप स्नान करना छोड़ दीजिए सुबह सुबह नदी पे जाके, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अब वो रोजाना गंगा पे जाते और नहाते, और वहाँ पे थोड़े बहुत गीत गाते, और वापस अपने घर आते। एक दिन उन्हें उनकी हल्की सी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद लोगों ने उन्हें और ज़्यादा मना करा, लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी बात नहीं मानी, और अगले दिन फिर से वो उसी तरह नहाने के लिए गए। लेकिन जब उन्होंने देखा, जब लोग उन्हें ज़्यादा टाइम हो गया वो आए नहीं, तो लोग नदी पे गए और देखा कि वहाँ पे ना तो कोई गीत की आवाज़ है, ना किसी और चीज़ की आवाज़। तब उन्होंने देखा कि बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे, वो चल बसे। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें एक ऐसा जीवन व्यतीत करना चाहिए कि हम सभी लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाएं। लोग हमें अपने जैसा नहीं बल्कि हमारे जैसा बनना चाहें, तो हमें उन अच्छाइयों को अपने अंदर लेना चाहिए जिससे हम एक अच्छे इंसान बन सकें। तो आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी, और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई और वीडियो जल्दी चाहिए या किसी और वीडियो के बारे में आप जानना चाहते हैं किसी और चीज़ के बारे में, तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल।